अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि थ्री वे एक्सटेंशन को किस तरह यूज़ करते हैं और आई वी लाइन किस तरह से फ्रूट दी जाती है, आई वी लाइन में फ्रूट किस तरह दिया जाता है। इसके लिए हमें चाहिए एक डिस्ट्रो सलाइन जो कि पेशेंट के लिए रिक्वायरमेंट की डॉक्टर हैं। और आए इसको कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास एक ड्रिप सेट है, तो ड्रिप सेट को हम किस तरह से इंजेक्ट इसमें लगाएंगे ड्रिप के अंदर। तो ये हमारा स्पॉक होता है, इसको हम इसकी सील तोड़ के इसमें हमने ये शामिल कर दिया। अब हमने इसका चैम्बर दबा दिया, ठीक है। अब चैम्बर दबाने के बाद ये हमारे पास ये सेट की ये जो रेगुलेटर है इसको हमने बंद किया हुआ है ताकि ये नीचे इसमें ट्यूब में इसके वाटर और एयर ना शामिल हो जाए, तो हम इसको बाद में अब खाली करेंगे। आए फिर अब किस तरह हम इसको पेशेंट पे यूज़ करते हैं मैं दिखाता हूँ। अब हमने ये ड्रिप को हैंगर में अटका दिया है और इसका चैम्बर जो हमने भरा था अब इसकी एयर खाली करेंगे। तो ये हमने इसकी एयर खाली कर दी है। अभी एक बात मैं आपको बताऊं, जब तक कि ये ड्रिप चल रही है फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने इसके अंदर कोई एयर की सिस्टम नहीं रखा है। तो इसके लिए हमारे पास ये एयर वेंट होता है ड्रिप के सेट के अंदर। अब हम ये एयर वेंट खोलेंगे तो अब ये कि ड्रिप अपनी जगह में मौजूद रहेगी और इसका फ्लूड नीचे गिरता जाएगा। तो अब हम ये यूज़ करेंगे पेशेंट पे। लोअर कनेक्टर हम थ्री वे के ये कनेक्टर की जगह हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये देखिएगा, ये हमने लोअर कनेक्टर कनेक्ट कर दिया। अब हम आपको थ्री वे का मैं समझा दूं कि थ्री वे इस जगह पर जो कोई पार्ट से बने हुए कोई तीर के निशान नहीं बने, देखें तीर के निशान बने हुए 1 2 3। अब इस जगह पर कोई नहीं है, इसका मतलब है कि ये जगह ब्लॉक है, इस जगह से कोई चीज़ आर पार नहीं हो सकती। अब अगर हमें इस चैनल पर चलाना है तो हमें इसको यूँ करना पड़ेगा ताकि इस जगह कोई चैनल नहीं है और उस जगह बंद है, तो ये एक ही रास्ता बन गया है, ठीक है। अब अगर हमें दोनों चलाने हैं तो फिर हम इसको इस तरह रखेंगे ये। अब ये इस तरफ भी रास्ता है, यहाँ से भी कोई हम कनेक्ट कर दें ड्रिप तो यहाँ से भी ये चालू रहेगी, उसको हम सेट कर सकते हैं। इस जगह पे कोई रास्ता नहीं है इसलिए पूरा ब्लॉक है, ठीक है। मगर अभी हमें एक चैनल चलाना है तो हम इसको इस तरह से रखेंगे ये। अब हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये रेगुलेटर को हमने थोड़ा ऊपर किया तो अभी आप देखिएगा एयर वेंट भी थोड़ा खोल दे सही से। तो ये देखें चलना शुरू हो गई ड्रिप, ये देखें ड्रॉप गिर रहे हैं इसके। अब हमने इसको नॉर्मल रखना है क्योंकि अभी और मज़ीद स्पीड बढ़ेगी जब ये चलना शुरू हो जाएगी ज़्यादा, तो इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा रेगुलेटर की तरफ ये थोड़ा सा हम नीचे करेंगे ताकि ये अब इसकी रफ्तार नॉर्मल हो गई है, ठीक है। इस तरह हमने रखनी है डॉक्टर रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कोई फास्ट नहीं करनी। फास्ट उस टाइम करते हैं जब कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा एमरजेंसी होती है। अभी पेशेंट सिर्फ डिहाइड्रेट है इसलिए हमने इसको थोड़ा नॉर्मल रखा है ताकि पेशेंट के बॉडी पे ये अच्छी तरह से फ्लूड पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मज़ीद आपको वीडियो फराहम कर सकूँ। आपका तावुन ही मेरे लिए हौसला अफजाई का बायस बनेगा। बहुत शुक्रिया आपका।